सतना सिंह चौहान पहुंचे और सेठानी घाट पर नर्मदा नदी का जायजा लिया। नर्मदापुरम में अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जानकारी ली, उनसे चर्चा की है। खतरे के निशान के ऊपर से नर्मदा नदी बह रही है, जलस्तर लगातार नदी का बढ़ता जा रहा है, बहाव भी काफी तेज है। ऐसे में आसपास के गांवों में अलर्ट किया गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले 24 घंटे भी मौसम का जो अलर्ट जारी हुआ है उसमें बारिश के लिए कई जिलों को चिन्हित किया गया है। नर्मदापुरम में अगले 24 घंटे बारिश होगी। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल, हमने देखा सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम पहुंचे और नदी के जलस्तर का उन्होंने जायजा लिया। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है, फिलहाल क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए? देखिए, संभागीय स्तर के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर और आईजी, डीआईजी और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं होशंगाबाद के, खासतौर से कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। जिस तरीके से तवा बांध सबसे ज्यादा तुरंत जो है प्रभावित होता है, 2 से 3 घंटे में सेठानी घाट पे जल स्तर जो है बढ़ने लगता है अगर तवा डैम से डिस्चार्ज किया जाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना था कि जो बांध के जो प्रबंधक है उन लोगों से बात की है कि एकदम ज्यादा से ज्यादा जो है पानी एक साथ जो है बाकी सभी डेंगू का एक साथ ना छोड़ा जाए, अल्टरनेट स्थिति में छोड़ा जाए, क्योंकि राहत की बात यह है कि जो कैचमेंट एरिया है तवा का, वहां बारिश अब जो है थम चुकी है। बारिश जो है लगभग 4 घंटे से थमी हुई है, तो जो डिस्चार्ज था तवा का वो कम कर दिया गया है, उसका असर 1 से 2 घंटे में जो है सेठानी घाट पे देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के हालात से बचने के लिए भी तैयारियां पहले कर ली जाए, जो जिन्हें निचले क्षेत्र है वहां पे जो है इंतजाम किया जाए सुरक्षा को लेके और लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने को लेके। हालांकि ऐसी स्थिति ना आ पाए, बाढ़ की स्थिति ना हो, इस ओर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेशित किया है अधिकारियों को। चलिए धन्यवाद अब्दुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले से ही आदेश दे दिए हैं कि बाढ़ जैसे हालातों पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या कुछ तैयारियां होनी है वो अभी से ही कर ली जाए। साथ ही साथ कलेक्टर अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की, स्थिति के बारे में जाना और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने आज नर्मदापुरम पहुंचकर दिए। दवा का कितना?